हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई एम ऋतुराज। वेलकम टू पीडी क्लासेस। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर जो स्टूडेंट्स टीचिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए लेके आई हूँ, हाउ टू मेक योर डेमो इम्प्रेसिव। तो स्टूडेंट्स, आप सबको डेमो देना है, आप सब टीचर बनने जा रहे हो, लेकिन डेमो को इम्प्रेसिव कैसे बनाएं, क्योंकि टीचिंग सबको आती है, पढ़ाना सबको आता है, लेकिन सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करें। तो इसके लिए मैं कुछ टॉपिक्स लेके आई हूँ, उनको यदि आप डेफिनेटली ध्यान से सुनेंगे, फॉलो करेंगे, तो आपका डेमो रियली बहुत इम्प्रेसिव बनने वाला है। फर्स्ट वन इज स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस का मतलब है आप जब भी किसी से मीट कर रहे हो तो आपके फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए, जिसको देखते ही सामने वाला पर्सन इम्प्रेस हो जाए। अब बात आती है, आप स्टूडेंट से मीट कर रहे हो, आप क्लास में की एंट्री हो रही है, आप स्टूडेंट्स को फर्स्ट बोलते हो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इसका वे होता है, एक टीचर आ रहा है क्लास में, बोल रहा है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो, एक मैं बोल के बताऊँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो एक अलग ही इम्प्रेशन स्टूडेंट्स पे पड़ेगा, जो आपका डेमो ले रहे हैं वो रियली इससे इम्प्रेस हो जाएंगे। सेकेंड वन इज स्पीड। आपके बोलने की स्पीड बहुत मैटर करती है कि आप किस वे में बोल रहे हो। यहाँ पे मैंने टू पॉइंट्स लिखे हैं, स्लगिश एंड स्पीडी। तो वॉट इज द मीन्स ऑफ स्लगिश, यानी एक पर्सन होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो बोलता है, बहुत बोरिंग फील होता है। लाइक मैं अपना नेम बताऊँ आपको, हेलो बच्चों मैं ऋतुराज, तो बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, बहुत इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। दूसरा स्पीडी हो जाता है, उसमें हेलो बच्चों मैं ऋतुराज, ये भी थोड़ा अनफेयर सा है। अब इसका बोलने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए, हेलो स्टूडेंट्स आई एम ऋतुराज, इफेक्टिव है ना। यस गाइस, तो आपको यही वे अपनाना है। आपकी स्पीड है वो एक एवरेज वे पे होनी चाहिए, ना स्लगिश होनी चाहिए ना स्पीडी होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज वॉक, आपका वॉकिंग स्टाइल। कुछ टीचर्स की हैबिट होती है क्लास में वो रेगुलरली इस वे में वॉक करते रहते हैं, स्टूडेंट की आईज कभी इधर होगी कभी इधर होगी, इस वे में जो उनका होगा ना माइंड है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, उनका माइंड है डाइवर्ट होगा, वो बार बार इधर उधर देखेगा, और न्यू टीचर सामने है तो ऑब्वियसली वो पक्का देखेगा। अब बात आती है आपको कब और कब वॉक करना चाहिए एंड कब, ठीक है वॉक कीजिए ये अच्छी हैबिट है, बट ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वॉक करो या एक जगह बिल्कुल स्टिल खड़े रहिए। आपको मूव करना है लेकिन एक प्रॉपर वे में करना है। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे हिंदी हमारी मदर टंग है, तो उसका भी हमें यूज़ करना है। यदि आप इंग्लिश के लेक्चरर हैं तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश में ही बोलना है, बट आप अदर सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट तभी होंगे जब आप बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करोगे। यदि आपकी लैंग्वेज दोनों वे में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश, तो देन स्टूडेंट रियली आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज वो स्टूडेंट के ऊपर से जाएगी। आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हो या बहुत ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो आप अपने सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। लाइक एग्जाम्पल देती हैं, अब मैं बोलती हूँ हेलो बच्चों मेरा नाम ऋतुराज है, बड़ा ऐसे लग रहा है कहाँ से उठ के आ गई है मैम, कहीं जंगलों से उठ के आ गई क्या। सेकेंड मैं बोलती हूँ हेलो स्टूडेंट्स आई एम ऋतुराज, आप सब कैसे हो, तो थोड़ा सा अच्छा लगा, बच्चे भी इस पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, सामने वाले को भी लगेगा, मतलब हम उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि हमारी मदर टंग है, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी ज़्यादा फील होगी। एंड नेक्स्ट वन इज विश एंड क्वेश्चन। अब जैसे कि क्लास में आप एंट्री कर रहे हो, अब आप डेमो दे रहे हो, यहाँ पे क्लास में हो तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपका रिप्लाई देंगे, गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग सर, बट सामने जो डेमो दे रहा है वो आपको रिप्लाई नहीं देगा, तो आप गुड मॉर्निंग करके वेट नहीं करोगे कि हाँ जो सामने मेरे बैठे एग्जामिनर वो मुझे रिप्लाई देंगे। आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, उनके रिप्लाई का वेट नहीं करना, अपना आगे का स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है डेट एंड टॉपिक। आपके हाथ में मार्कर है, आपको बोर्ड पर टीच करना है। सबसे पहले आप डेट लिखोगे, देन टॉपिक वर्ड लिखोगे, नॉट टॉपिक, टॉपिक क्या टीच करे वो नहीं लिखना, आपको टॉपिक वर्ड लिखना है, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। ब्रिंग टू द टॉपिक, ब्रिंग टू द टॉपिक, आपको टॉपिक पे लेके आना है उन्हें। कैसे लेके आना है, एक एग्जांपल करते हैं। लाइक मैं टॉपिक एसएसटी का एक टॉपिक लेती हूँ, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे उसको। तो अलाउद्दीन खिलजी पे हमें कैसे लेके आना है,
लाइक क्लास में स्टूडेंट्स बैठे, थोड़ा सा उनको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, गुड मॉर्निंग कर दिया, टॉपिक लिख दिया, फिर हम बोलेंगे ओके स्टूडेंट्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नॉर्मल चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा बताइए बेटा, आप लोग मूवीज़ देखते हो? ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट बोलेंगे यस मैम, यस सर, श्योर हम बहुत मूवीज़ देखते हैं, हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी। अच्छा कुछ नेम बताइए। स्टूडेंट बोलेंगे यस सर, थ्री इडियट देखी हमने, पीके देखी हमने, ये वाली देखी। वेरी गुड, कोई और मूवीज़ बताओ। अच्छा कोई मूवी बताओ जिसमें बहुत बड़े बड़े राजा हैं, उनकी लड़ाइयाँ हुई, ऐसा कुछ हुआ। यस मैम हमने देखी जोधा अकबर देखी, पद्मावत देखी। ओके आपने पद्मावत मूवी देखी, वेरी गुड। अच्छा पद्मावत मूवी में क्या था? तो स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ गया यस मैम वो राजा थे ना खिलजी, उन्होंने ऐसे ऐसे किया था। ओके आप खिलजी के बारे में कुछ जानते हो? साइलेंट क्लास। ओके तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टडी करेंगे, तो इस वे में हमें स्टूडेंट्स को टॉपिक पे लेके आना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? और लास्ट है मेक टेबल डायग्राम डायग्राम जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंग। लाइक आप साइंस के टीचर हो, डायग्राम बहुत ज़रूरी है। आप पीआरटी टीचर्स बनने जा रहे हो तो भी डायग्राम बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को ए फॉर एप्पल बता रहे हो तो आप ए फॉर एप्पल की जगह यदि आप इस वे में एप्पल बनाओगे ना तो डेफिनेटली स्टूडेंट बोलेंगे यस मैम एप्पल। लेकिन आप ये बनाओगे ना तो बच्चे सोचेंगे मैम ने क्या बनाया है। तो आपको पहले ये बनाना है फिर उससे मिलवाना है कि ये होता है एप्पल, क्लियर? उसके बाद जैसे कि लाइक रे डायग्राम वगैरह, इंग्लिश का कोई टॉपिक, मैंने नाउन लिया, नाउन के पार्ट्स 1, 2, 3 ऐसे लिखने से बेटर मैं यहाँ लिखूंगी ना प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और स्टूडेंट के माइंड में एक वो पिक्चर क्लिक हो जाएगी यस मैम ने ऐसे बताया था। तो ये कुछ टॉपिक्स है, ये कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, आप इन पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप अपना डेमो बहुत ही इम्प्रेसिव बना पाओगे। तो गाइस होप, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी और रियली ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स।